खुद लिखता है क्या रैप? इंग्लिश में बनाता है, हिंदी में? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। मराठी में भी रैप बना? कौन सा है पता हो? एक झलक दिखला दो। पैसे लगते उसके। अबे ये चिक्स साला कह रहा है एक झलक दिखला दो, उसकी एक झलक देखने में घर जाएंगे तेरा। बिग बॉस 16 बेस्ट ऑफ दिस वीक। और वैसे ये पिछला वाला वीक थोड़ा सा सैड भी रहा है क्योंकि अब्दू को शो से जाना पड़ा। ये पहली बार हो रहा है कि अब्दू इस शो अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। और साजिद खान भी जा चुके हैं बिग बॉस से, काफी लेट गए बट गए। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। लेकिन भाई अब्दू चला गया घर से यार, वो थोड़ा सा इमोशनल लगा मेरे को। तो चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है आज। चलो भाई बस्ती का हस्ती पीटाउन। क्या है पीटाउन? पुणे। अच्छा पुणे भाई, पुणे। पीटाउन कैसे करते सर? पी ऐसा बनाया, ऐसा कैसा तू ये ऐसा करके ऐसा सर ये। हाँ ये हाँ भाई, मेरा नाम तो क्या आधा शैतान आधा इंसान। मैं करीब 12 सीजन होस्ट कर चुका हूँ, ऐसा आइटम पहली बार आया है। पहली बार आया भाई ऐसा आइटम। अरे भाई ये तो स्टार्टिंग का ही, क्योंकि भाई मेरे पास में कोई भी टीम नहीं है तो मेरे दोस्त लोग ही मेरे लिए रिसर्च वगैरह करके भेजते हैं। बट सालों ने देखो कौन से जमाने का बिग बॉस भेजा है मुझे भयंकर। हाँ सर। कपड़ा हटाइए। ये नहीं। अरे वो नहीं कपड़ा हटाने को बोला भाई, खोलने को थोड़ी बहुत तो। अरे भाई 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 कपड़ा हो गया है गाइस। अबे 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 भाई भाई क्या है भाई ये? भाई ये अर्चना मेरे को सही नहीं लगती भाई लड़की, सच में यार तूने हाई लेवल में लफड़ा और वो भी बिग बॉस में। भगवान ये क्या हो रहा है? आपका क्या बिग पिक्चर है? सर मेरा भी सिंपल ही है, सलमान जैसी बॉडी हो, सलमान जैसा स्वैग हो और सलमान जैसा पनवेल में छोटा सा फार्म हाउस। देखो अगर ऐसा होता कि आप अपने आप को मुझे दे देते तो मैं शायद आपको बना के वापस लौटा सकता। लेकिन ये आपको समझे भाई, तुम समझे? अगर तुम नहीं समझे हो ना भाई तो कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं समझ गया, लेकिन मैं समझ गया। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर तुमको बॉलीवुड में नाम कमाना है तो सलमान भाई के चरणों में तुमको झुकना पड़ेगा। वाओ, इसीलिए आउटसाइडरों की लगी पड़ी है बॉलीवुड में। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई ये बंदा ऐसे ऐसे क्या करता है भाई? बस हो गया, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। वो भी एटी सर भाई सर, इसके डैड सर। नहीं 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 बोलना। देखो भी एटी पास में ही बैठी है, तुम्हारी कविता लिखा है मैंने। बतरे बोलो, अभी अभी बोलो ना। मेरा नुक्ता देखो बेटी, रास्ता कितना भी लंबा उस वक्त से जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन खामोश में खाम। भाई जब जब स्टैंड में मिक्री करता है तो मुझे बहुत फनी सा लगता है भाई। ओ भाई ओ भाई संभाल के, भाई आ जाएंगे। कल रात की उतरी नहीं गया। कभी कोई सी पत्नी मिल गई। ए लॉलीपॉप खा। मैं चलाती हूँ गाड़ी। तू मेरे आंग पे बैठ। नहीं 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 नहीं। अरे ठोक देंगे तू। उसके लिए तो चला रही हूँ। सीट बेल्ट तो पहन। डरपोक। डरता है साला। आग बंद करके चलो। अरे नहीं नहीं ये देख हाथ छोड़ के चलो। पैरों पे देख मैं मांडी कुंडी डाल के चलाती हूँ। ये देख हेडलाइट बंद कर दिया। The good one. हो गया तुम्हारा? Yes. यार मिस कर दे। सैन तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं पागल। क्या? मैं मजे ले रहा हूँ। हाँ। भाई बंदे के अंदर में फ्लर्टिंग स्किल्स है लेकिन वो करता नहीं है ना फ्लर्ट जानबूझ के। When she say other contestants are better than MC Stan.
women. तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पीर कच्चा बना है, पक्का बना है, कच्चा बादाम ब्रो। आदमी है, प्लेयर है, तो अपनी गलती को सबसे पहले रियलाइज करके रिफील करता है। लेकिन सर वो जो करा मैंने वो गलत था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर वो जो बात करा गंदी बात करा मैंने, तो सर वो मेरे को रियलाइज भी हो गया, रिग्रेट अब भी तक हो रहा सर। सही बात है भाई, मतलब गलतियों को एक्सेप्ट करता है अगला बंदा यार। बोलूंगा ऐसी बात करूं, मेरे साथ चिप मत जा, मैं भी बहुत चिप जाएगा। चल शानी बन, चल शानी बन, मैं तू एक नंबर था, हां जेरी चीप रखे ओ को नहीं बात करूं। ये भाई 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 चिप मत, ये पहली बार हो रहा है कि अब तू इस शो में ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। अब जाने दो, 2 सेकंड मेरा जान, मेरा दिल, मेरा कुछ भी। The most emotional episode भाई। से बोल रहा तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे फैंस लोग पे गए ना तू, फिर मैं जाएंगा तेरे से आऊंगा। मेरे बारे में फेक रही मत फैलाने का काम करती, चालता पटेल फिर भी रोज न्यूज बनती, मेरे नाम पे व्यूज आकर करती, गिनते को पकड़ेंगे और मार के बोलेगा बोल जल्दी। फैंस के बारे में एमसी स्टैन कुछ नहीं सुन सकता और एमसी स्टैन के बारे में फैंस कुछ उल्टा नहीं सुन सकते। The best combo ever. Nice one. I think it's easy. If I can, you can. But what he can, no one else can. He's MC Stan. Chudne kam chilne na jaata hai. Vasti ka hasti. Main maalim ka kider se aata. चलो उसने तो गलत बोला, बाद में बोला घटिया फैंस काम चोरी पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। फैन की अम्मी जब आपने देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा सर। वो क्या 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 पहले जो पहले तो अर्चना ने शुरू किया था ना, उन्होंने बोला था घटिया है, ऐसा है, कचरा है, कचरे में से आया, बस्ती से आया, कितना कुछ नहीं बोला। फिर वो चुप रहेगा क्या? वो तो कुछ तो बोलेगा ना, बस्ती से आया तो क्या हुआ? नहीं आंटी, फिर आप बोलते हैं कि मैं नेता हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो गरीब लोगों के साथ अब ऐसे ही करूँगी? गलत नहीं, आपने देखा ही नहीं, उन्होंने पहले आके बोला ऐसी ऐसी हो, तो उसको कुछ भी। अर्चना भाई रेसिस्ट लड़की है भाई, बहुत ज्यादा कुछ भी बोल देती है भाई, किसी को भी हो। खुद लिखता है क्या रैप? इंग्लिश में बनाता है, हिंदी में, हिंदी मराठी इंग्लिश, मराठी में भी रैपर है। कौन सा है पता हो? एक झलक दिखला दो। पैसे लगते उसके। अबे ये चिक्स साला कह रहा है एक झलक दिखला दो, उसकी एक झलक देखने में घर जाएंगे तेरा। I'm enjoying, like, मैं फुल इन्वॉल्व हो गया अभी गेम के अंदर, और लाइक मेरे को अब भी जाके मजा आ रहा है। बिग बॉस शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। सरप्राइज मदरफ ये भी नहीं। अरे तुमने तो बाहर भेजा था ना। हाय नमस्ते, थैंक यू। सीरियस नहीं अरे भाई भाई उसका फेस का एक्सप्रेशन भाई अलग ही है भाई यार। तेरी वाट लग गई है, मार अंदर, कुछ सोच मत भाई। सही है भाई, ये साजिद खान जितना बाहर चला गया, इसने लॉन्डो को बहुत सिगरेटें पिलाई है बिग बॉस में भाई। उधर लफड़ा हो रहा होता है, ये बंदा सिगरेट लेके खड़ा रहता है, भाई एक सिगरेट पीते हैं भाई शांत हो जाएगा तू। वेल डन। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा, मजा आया हो तो जरूर से लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। ऐसे भाई दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए अपना, ठीक है? क्योंकि भाई तुम लोग ना बहुत मुश्किल से आए हो मेरे चैनल पे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं दूर जाओ, तो इसलिए मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। ओके तो बस यार मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बी सैवेज एंड पीस आउट।